Hello friends, welcome to channel. So in this video, we will discuss some important question from the unit 10. That is, uh, this question is very important for exam. So now let us start. Before I begin, this is all about me. Uh, you can mail me on this similarity for any query, and also please join this uh, Telegram channel. And the link is uh, link that is given in the description box, so you can click and join this Telegram channel. So you can get all important notification and update from this channel. and for any query you can also text me on this number. now let us start before begin the crash course that is going to start a new crash course batch from the 25th of April. और ये आज से ही start होने वाला है, so अगर कोई join करना चाहता है, so they can join this group. इसकी जो detail है, आपको इससे video के last में मिल जाएगी। तो so the first question that जिसमें आपको match करना है, list one को list two के साथ सो द लिस्ट वन कंसिस्ट द फर्स्ट ए पेरोल बी टिकट लाइस ट्रेवल सी सिक्योरिटी वेल एंड इज वोकेशनल ट्रेनिंग एंड लिस्ट सेकेंड में दिया गया है डिफेंडेंस ऑन दर्ट रिहाबलीटेशन अटेंडिंग अ फैमिली फंक्शन फैटी ऑफेंस एंड इंस्टीट्यूशनल सर्विस सो पेरोल का मतलब क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए बेसिकली पेरोल मतलब होता है कि इसमें जो फ्रीजनर होता है उसको छोड़ दिया जाता है कुछ सर्टन कंडीशन के बाद जेल से जैसे कि अगर फैमिली में कुछ फंक्शन है या किसी को डिजीज किसी प्रकार की डिजीज या किसी की डेथ हो जाती है या कोई इसी प्रकार के कोई फंक्शन में अगर उसको जो प्रिजनर है उसको छोड़ा जाता है तो उसको बोलते हैं पेरोल सो so, आप यहाँ से मैच कर सकते हैं और यहाँ पर चार ऑप्शन दिया आप बताइए कौन सा इसका करेक्ट होगा एंड बी जो दिया है टिकेट लैस ट्रैवल इसको आप किससे पेयर करेंगे यहाँ चार दिए गए हैं सो टिकेट लैस ट्रैवल हम बोल सकते हैं कि छोटा सा ऑफेंस है सो ऑप्शन नंबर यहाँ जो फोर्थ दिया है लिस्ट सेकंड में पीटी ऑफेंस पीटी मींस होता है छोटा मोटा ऑफेंस सो यू कैन पेयर बी विद द फोर सो ना यू कैन सी इन दिस इन दिस कोड गिवन बलोंग सो ओनली जो फर्स्ट ऑप्शन है इसको करेक्ट होगा बिकॉज बी जो है केवल फोर्थ के साथ पेयर है ओनली देर इज़ द वन ऑप्शन सो इन दिस में यू कैन एलिमिनेट ऑल दिस ऑप्शन डी सी एंड ए सो ना यू कैन करेक्ट द फर्स्ट ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा आपका और इसके अलावा आप जो देख लीजिए सिक्योरिटी बेल और वोकेशनल ट्रेनिंग किससे कैसे पेयर करेंगे अगर आपको इनमें से चार में से किसी एक के बारे में बताए तब भी आप पेयर कर सकते हैं ऑप्शन ऐसे ही रहते हैं एग्जाम में बहुत ज़्यादा टफ ऑप्शन नहीं रहते हैं कि आप पेयर ना कर पाएँ आप चार में से किसी एक को जानते हैं या उसके बारे में थोड़ा भी डिटेल आपको पता है तो आप करेक्ट कर सकते हैं क्वेश्चन को क्वेश्चन नंबर सेकेंड इसको भी आपको पेयर करना है लिस्ट वन विस्ट टू जो पेयर वाले क्वेश्चन होते हैं मैज द फॉलोइंग मैं इसे डालता हूँ क्योंकि इसमें आपके एक से चार क्वेश्चन बन जाते हैं जैसे आप देख सकते हैं पेरोल के बारे में आपको पता पता चल जाएगा क्वेश्चन से सिक्योरिटी वेल या टिकट लैस ट्रेवल ये सभी के बारे में आपको एक क्वेश्चन में चार क्वेश्चन बन जाते हैं इसी वजह से मैं इसमें जो मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन आता है उसको मैं इसमें डाल देता हूँ क्वेश्चन और इसी प्रकार से आप देख सकते हैं यहाँ पर चार एक्ट दिए गए हैं चारों के यहाँ पर जो इलेक्टेड ईयर है उसको मैंसन किया गया है सो इससे आपके चार क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे सो आप बताइए इसमें कौन सा करेक्ट होगा जुमनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन एक्ट बी इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट ऑप्शन जो सी दिया है दैट इज़ प्रोटेक्शन ऑफ ऑफेंडर एक्ट एंड डी दैट इज प्रिजन एक्ट एंड इसकी जो इनेक्टेड ईयर दी गई है दैट इज एटीन नाइन्टी फोर नाइनटीन फिफ्टी एट एंड टू थाउजेंड एंड नाइनटीन एटी सिक्स सो इसको आपको पता होना चाहिए इसकी जो कंपाइलेशन पी डी एफ और वीडियो मैंने आपको दी हुई है ग्रुप में सो आप वहाँ से आपने हो सकता है पढ़ाई होगा तो आप बताइए कौन सा करेक्ट है इसका ऑप्शन नंबर जो वन दिया है इसमें वो करेक्ट होगा जुबिन जस्टिसन केरन प्रोटेक्शन एक्ट ये आया था टू साउजेंड में एंड इमोरल ट्रैफिक एंड प्रिवेंशन एक्ट दैट इज केम इन नाइनटीन एट्टी सिक्स प्रोटेक्शन ऑफ ऑफेंडर एक्ट इन नाइनटीन ये कवायद आपका नाइनटीन फिफ्टी एट एंड दिजन एक्ट इन नाइनटीन एट्टी फोर तो ये आपका जो है फर्स्ट ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर थ्री आप बताइए इसमें से क्वेश्चन नंबर थ्री में आपको पेयर करना है चार मॉडल दिए हैं फैमिली के मॉडल कि फैमिली फंक्शनिंग कैसे करती है यहाँ पर तीन मॉडल दिए जो ऑप्शन जो डी दिया है वन में वो एक थ्योरी दी है वो आपको बताना है कि इसमें जो यहाँ पर नाम दिए गए हैं थिंक करके जिनके द्वारा ये मॉडल दिया गया है उनका आपको पेयर करना है जैसे कि फर्स्ट सरकम्प्लेक्स मॉडल मेगमास्टर मॉडल एंड स्ट्रक्चर फैमिली मॉडल ये सभी जो मॉडल हैं तीनों ये फैमिली के मॉडल हैं कि फैमिली फंक्शन कैसे करती है कौन कौन से एस्पेक्ट होते हैं कौन कौन से डायमेंशन होते हैं और यहाँ पर उनके नाम दिए गए हैं किसके द्वारा दी गई और जैसे कि सेल्वाडोर मैनिशन एंड डेविड ऑल्सन एंड नैथन बी एपस्टैन एंड बैंडूरा सो so, आपको पता होना चाहिए कि इसका क्या आंसर करेक्ट है आप बताइए देखिए अब इसमें जो ऑप्शन नंबर डी दिया है इसके बारे में आपको पता ही होगा कि सोशल लर्निंग थ्योरी दी गई थी एल्बर्ट बंडूरा के द्वारा सो so, आपको जो जो डी है दैट इज पेयर विद द फोर एल्बर्ट बंडूरा थे उन्होंने बताया था कि किस प्रकार से जो लोग होते हैं सोसाइटी से देख कर सीखते हैं सो so, जो डी है दैट विल पेयर विद द फोर और यहाँ से आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑप्शन फर्स्ट एंड ऑप्शन थ्री जो एलिमिनेट हो जाएगा अब आपके पास बी और डी बचे हैं तो आप बताइए कौन सा करेक्ट होगा सो तो ये जो जो इसमें देख सकते हैं आप सरकम्प्लेक्स मॉडल दिया गया था किसके द्वारा डेबिट ऑलसन के द्वारा ये फैमिली के मॉडल हैं आपने पढ़ा होगा थ्योरी में मैंने पी में सभी को मैंसन किया हुआ है मैक मास्टर मॉडल उसके बाद आपका नैतन बी एस के द्वारा एन स्ट्रक्चरल फैमिली मॉडल सेल्वाडोर मैनेचन के द्वारा दिया गया है सो तो ऑप्शन नंबर जो डी है करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर फोर इसमें आपको पेयर करना है इसमें इम्पोर्टेंट ये जो लैसलेसन less दिए गए हैं और यहाँ पर ईयर दिया गया है ये जो लैसलेसन less यहाँ पर है और ईयर यहाँ पर है ये मिस्टेक हो गया सो so, जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कब आया था और बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट इन्वायॉयरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट एंड दी फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है इनको अच्छे से याद कर लेना एग्जाम में पूछा ही पूछा जाता है सो so, ये जो जैसे कि जो इन्वायरमेंटल को लेकर एक्ट है ये तो पेपर वन में भी आ जाते हैं सो so, ये दोनों पेपर के लिए हो गया आपका क्वेश्चन सो so बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा इसमें चार कोड दिए गए हैं नीचे सो so वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आपका आया था नाइनटीन सेवेंटी टू में सो so ये आपका ये कपेयर होगा फोर्थ के साथ और केवल ऑप्शन वन में ही दिया है केवल सो so आपका ये तीन ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएंगे तो ऐसे भी आंसर आप लगा सकते हैं अगर आपको एक के बारे में पता है सो so जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करें आप पहले आंसर जरूर देखें ऑप्शन जरूर देखें कि ऑप्शन किस प्रकार के दिए गए हैं सो so, इसके बाद इसके अलावा आप देख सकते हैं कि बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट आया था नाइनटीन ए टू टू में इन प्रोटेक्शन एक्ट ये आया था नाइनटीन एटी सिक्स में या फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट नाइनटीन एट्टी में सो so, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर फाइव इसमें आपको पेयर करना है लिस्ट वन को लिस्ट टू के साथ इसमें ये जो लेजेशन दिए गए हैं ईयर ऑपन एक्टमेंट दिया गया है सो फैक्ट्री एक्ट कब आया था और जुबिनाइल जस्टिस एक्ट हिंदू एडोपन एंड मेंटेनेंस एक्ट एंड एंडेशन काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट और यहाँ पर इसकी ईयर दी गई है सो so, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए ये जो एक्ट की कंपाइलेशन है मैंने आपको बता ही दिए आपको ग्रुप में भेजी थी तो आपने देखा ही होगा इसको सो so, बताइए कौन सा करेक्ट होगा सो फैक्ट्री एक्ट आया था आपका नाइनटीन फोटी एट में एंड दी जुमेनाइल जस्टिस एंड प्रोटेक्शन एक्ट अब आया था आपका टू में और उसके बाद हिंदू एडोपशन एंड मेंटेनेंस एक्ट आया था नाइनटीन फिफ्टी सिक्स में और एवरटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट आया था नाइनटीन नाइन्टी टू में सो आपका हो जाएगा थ्री वन टू फोर ऑप्शन नंबर सी नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर सिक्स सबला स्कीम इज रिलेटेड टू आपको बताना है सबला स्कीम के बारे में ये जो स्कीम है इसमें से किसको लेकर के है चाइल्ड डेवलपमेंट या ओल्ड एज पीपल एडोलोसेंट गर्ल्स या फिर ऑल द सभी के लिए सबला स्कीम के बारे में पता होना चाहिए आपको ये कौन सी स्कीम है ये राजीव गांधी ये स्कीम फॉर द इम्पावरमेंट ऑफ एडोलोसेंड गर्ल जिनकी उम्र होती है दस से उन्नीस साल के बीच में उनके लिए आर जी एस सी ए जी पूरा नाम है इसका इसको सवला बोलते हैं तो ये स्कीम लाई गई थी सेंट्रल स्पॉन्स स्कीम थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की और इसको इनिशिएट किया गया था फर्स्ट ऑफ अप्रैल टूसान जुलाई अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ वीमन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट सॉरी इसमें बी यहाँ पर लग गया है तो ऑप्शन नंबर जो यहाँ पर बी है उसको वो करेक्ट हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर ये इसका जो आंसर दिया गया यहाँ से डिटेल देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेवन यूनाइटेड नेशन नेशनड यूनिवर्सल डिकलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स इन इन विच ईयर सो आपको बताना है किस ईयर में यूनाइटेड नेशन के द्वारा ह्यूमन राइट्स को कर लेकर के जो डिकलेशन था उसको अडॉप्ट किया गया था नाइनटीन फोर्टी एट नाइनटीन फिफ्टी नाइनटीन फिफ्टी वन एंड नाइनटीन फिफ्टी टू सो कौन सा इसका आंसर कनेक्ट होगा द फर्स्ट वन दैट इज विल बी राइट नाइनटीन फोर्टी एट नेक्स्ट यहाँ पे उसको एक्सप्लेनेशन दिया गया है यहाँ से पढ़ सकते हैं आप नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर एट विच द फॉलोइंग इज ऑब्जर्व एज द इंटरनेशनल डे फॉर दी नेशनल डिजास्टर रिडक्शन आपको बताना है कि नेशनल डिजास्टर रिडक्शन ये कब ऑब्जर्व किया जाता है थर्टीन ऑफ सेप्टेम्बर ऑफ अक्टूबर फोरटीन नवंबर एंड थर्टीन ऑफ दिसंबर एंड दैट इज़ दी सो जो करेक्ट आंसर होगा इसका कौन सा होगा बताइए चारों में से ऑप्शन नंबर जो बी है वो करेक्ट हो जाएगा थर्टीनथ ऑफ अक्टूबर ये करेक्ट है क्वेश्चन नंबर नाइन द इंटरनेशनल कन्वेंट ऑन दी सिविल एंड द पोलिटिकल राइट आई सी सी उसको बोलते हैं आई सी सी पी आर इसका फुल फॉर्म याद कर लेना फुल फॉर्म भी पूछा जाता है सो दैट वॉज अडोप्टेड बाई दू यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली यू एन जी के द्वारा इसको अडॉप्ट किया गया था किस ईयर में सो नाइनटीन सिक्सटी सिक्स नाइनटीन सेवेंटी फाइव नाइन्टीन सिक्सटी एयर नाइनटीन सेवेंटी वन सो इसका कौन सा आंसर करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है ये करेक्ट हो जाएगा नाइनटीन सिक्सटी सिक्स में इसको अडोप्ट किया गया था अडोप्ट किया गया था सिक्सटीन दिसंबर नाइनटीन सिक्सटी सिक्स में और इसको फोर्स में लाया गया था ट्वेंटी थर्ड मार्च नाइनटीन सेवेंटी सिक्स में इसका यहाँ पर एक्सप्लेनेशन दिया गया है इसको आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर टेन सो दिस इज द लास्ट क्वेश्चन इसमें आपको मैच करना है लिस्ट वन को लिस्ट टू के साथ यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट एक्ट दिए हैं और अलॉन्ग विद द उसकी जो ईयर दी गई इनेक्टेड ईयर सो जैसे कि प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम द सेक्चुअल ऑफेंस एक्ट द सेक्चुअल हरासमेंट ऑफ वीमन एट वर्क प्लेस एक्ट प्रोटेक्शन ऑफ वीमन एंड फ्रॉम द डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट एंड द प्रोविजन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट चारों ईयर दी गई आपको पेयर करना है बताइए कौन सा करेक्ट है इसका देख सकते हैं जो प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम द सेक्चुअल ऑफेंस एक्ट आया था टू थाउजेंड में एंड दी सेक्चुअल हरासमेंट ऑफ वीमन एट वर्क प्लेस आया था ये टू में एंड द प्रोटेक्शन ऑफ वीमन फ्राम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट आया था टू में एंड दी द प्रोविजन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट आया था नाइन टू में तो ये ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है वो करेक्ट हो जाएगा तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टेन क्वेश्चन थे इसमें इसको मैंने जो मैच द फॉलोम इसलिए डाला है क्योंकि आपके इससे बहुत सारे क्वेश्चन कवर हो जाते हैं जैसे कि चारों एक्ट पढ़ लीजिएगा एग्जाम इन में इनमें से कोई एक पूछा जा सकता है सो so ये जो एक्ट हैं इनको और जो इम्पोर्टेंट ईयर हैं इनको भी याद करना है आपको और इसके अलावा कोई जैसे स्कीम है या फिर अभी जो करंट ईयर में जो इस उसकी स्कीम है उनको मैंने उसमें करंट अफेयर उसमें मॉक टेस्ट में डाला हुआ है तो वहाँ से देख सकते हैं एंड नेक्स्ट जैसे कि ये जो क्वेश्चन यहाँ पर ये क्वेश्चन दिया गया था फैक्ट्री एक्ट है या जितने भी जो इम्पोर्टेंट एक्ट हैं फैक्ट्री को लेकर के वर्कर को लेकर के जैसे कि पेमेंट है, ये सभी एक्ट आपको याद करना है हिंदू मैरिज एक्ट हिंदू एडोपन एंड मेंटेनेंस एक्ट भी इम्पोर्टेंट है एंड जो जन्वयमेंट को लेकर के जितने भी एक्ट हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं एग्जाम में हर बार पूछे जाते हैं पेपर वन पेपर टू में इतन को याद कर लेना आप और मॉडल थ्योरी ये तो मैंने हर एक हर एक उसमें मॉक टेस्ट में उसके अलावा जो एक्सपर्ट क्वेश्चन है उसमें मैंने डाला हुआ है तो आप उनको देखते रहिएगा इंपॉर्टेंट थ्योरी के जो थिंकर हैं और कोई कौन सा मॉडल किसके द्वारा दिया गया है कौन सी थ्योरी किसके द्वारा दी गई है ये सभी एक्ट हैं सभी को अच्छे से पढ़ना है आपको सो ये था आपकी ये ट्रेंड क्वेश्चन थे इंपॉर्टेंट और अगर कोई क्रैश कोर्स ज्वाइन करना चाहता है तो कर सकता है वैसे भी एग्जाम अभी पोस्टपोन्ड हो गया है कोरोना की वजह से सो so, आज से ये जो नया बैच स्टार्ट है और आप अभी एक दो तो दिन में इसको ज्वाइन कर सकते हैं और यहाँ पर इसकी डिटेल दी गई है कैसे जो सिलेबस है आपका पूरा कवर किया जाएगा इन दी अपकमिंग डेज़ जैसे ट्वेंटी फिफ्थ से स्टार्ट होगा तो आपका थर्टी फर्स्ट ऑफ मे तक ये कंप्लीट कर दिया जाएगा और इसमें जो क्या क्या कंटेंट आपको प्रोवाइड किया जाएगा यहाँ पर जो नोट्स होंगे वो सभी इंग्लिश में होंगे और जो वीडियो होगी वीडियो लेक्चर वो हिंदी इंग्लिस बायल होंगे और इसके अलावा मॉक टेस्ट होंगे तीन एंड द इम्पोर्टेंट लिस्टिंग जैसे कि इम्पोर्टेंट डे एंड थीम्स जैसे कि अभी एक क्वेश्चन में हम लोगों ने देखे कि जो एक्ट थे उनकी ईयर इनेक्टेड ईयर तो ये पूरी कंपाइलेसन आपको प्रोवाइड की जाएगी इंपोर्टेंट बुक्स एंड ऑथर जो थ्योरी है उन सभी को आपको एक कंपाइलेसन एक पी डी एफ में प्रोवाइड किया जाएगा ताकि आप उसको रिवाइज करते रहें तो आपके कोई क्वेश्चन गलत नहीं होंगे तो ये कंटेंट आपको प्रोवाइड किया जाएगा थ्रू तो दिस क्रेश कोर्स जो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं इस क्रैस कोर्स को और इसकी जो फीस है दैट इज़ नाइन हंड्रेड रुपीज़ नौ सौ रुपये है और आप पेमेंट कर सकते हैं गूगल पे फ़ोन पे या फिर पे के माध्यम से और ये यह यहाँ पर देख सकते हैं क्रैश कोर्स फिफ्टीथ ऑफ मार्च का है इसमें कैसे कंटेंट दिया जाता है जो कि आपकी जैसे कि उसका वीडियो लिंक और साथ में साथ उसका कंपाइलेसन पी भी दी जाती है ताकि आप वीडियो देख सकें और साथ ही साथ पी के माध्यम से पढ़ सकें सो थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे डिस्कशन थैंक यू